नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन की प्रक्रिया खुलने लगी है धीरे धीरे करके, तो कहा जा रहा है कि अब परिवहन की जो सार्वजनिक परिवहन था, रेलवे बसें थी जो, अब जो चलेंगी तो इससे कोरोना वायरस का प्रसार यानी कि और अधिक फैलेगा। अब ये आपको देखने को मिला है कि जो मजदूर थे, प्रवासी थे, ये अपनी गांव की तरफ गए हैं और अब देखा जा रहा है कि गांव में भी आपको कोरोना वायरस के मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, देखते हैं आखिर क्या कहा जा रहा है। याद रखिए, अब आपको अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी खुद रखनी है, क्योंकि सरकार ने आपको छोड़ दिया है। अब सरकार आपकी अर्थव्यवस्था पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है आप लोगों की वजह, ठीक है? तो याद रखिए, अभी करंट में हम लोग जब बात कर रहे हैं आपके 17 जुलाई तक, तो 10 लाख के करीब केस होने जा रहे हैं आपके, तो इसलिए अच्छे से रहिए और सेफ्टी से रहिए। COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु सरकार ने लॉकडाउन लगाया गया था और अब धीरे धीरे विभिन्न चरणों के तहत लॉकडाउन खोला जा रहा है। लॉकडाउन के हटने से सार्वजनिक परिवहन में कोरोना वायरस के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। आप समझिए कि मुझे लगता है, ये मैं पर्सनल व्यू दे रहा हूं, कि लॉकडाउन से पहले ही, अगर लॉकडाउन लगाने से पहले सभी मजदूरों को घर भेज दिया जाता, प्रवासी मजदूरों को, तो हो सकता नहीं था। मुझे लगता है कि 80-85% तक केसों पर हम लोग नियंत्रण पा सकते थे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है फैलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। शुरू में आप सोचिए कि उन्हीं लोगों के पास आया हुआ था जो या तो विदेश गए हुए थे या विदेशियों के संपर्क में आए हुए थे, तो जो प्रवासी मजदूर थे इन्हें निकालना आसान था। देखिए, करना वो ही पड़ा है। बाद में आपने देखा है किस तरह से मुंबई, दिल्ली, गुजरात से निकाला जा रहा था मजदूरों को, तब तक ये सभी में फैल चुका था। उसके बाद वो अगर आए, आपने सुना होगा अभी कुछ ही दिन पहले कि बिहार में 4 मजदूर अगर जा रहे हैं लौट कर, तो उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो यानी कि अब मजदूरों में ही फैल चुका था। अगर शुरू में आप देखते तो इस मजदूरों में ये नहीं थी प्रक्रिया, यानी कि कोरोना पॉजिटिव केस मजदूरों में नहीं थे, तो उस समय सेफ्टी से इन्हें घर पहुंचाया जा सकता था। और 3 महीने की जगह हम कहते हैं कि 6 महीने अगर लॉकडाउन बढ़ा भी दिया जाता तो जनता झेल सकती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि शहर में रहकर कितना रुपया खर्च करना, अगर 10,000 शहर में रहकर खर्च कर रहे हैं आप लोग, तो घर जाकर वही 1,000 रुपये में काम हो जाता है, क्योंकि घर का खाना अलग रहता है, कुछ खरीदना भी नहीं पड़ता है, सब व्यवस्था आपकी घर में रहती है। तो इसलिए मजदूरों को देखा आपने किस तरह से, कई लोग तो मारे जा चुके हैं, 180-200 के करीब मजदूर, वो जो सरकारी आंकड़े हैं, इसी में कोरोना वायरस की वजह से जान गंवानी पड़ी। और हकीकत क्या है इसे हम लोगों को पता नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो सरकार द्वारा अपनाई जा रही अनलॉक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक परिवहन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अपनी पूरी क्षमता से ना सही लेकिन ट्रेन, बस और हवाई यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। एक बात आप लोगों को पता होगा कि कभी हम सुना करते थे कि आज 200 केस आए हुए, आज 300 केस आए हुए, आज आप देख रहे हैं कि 32-33 हज़ार केस आ रहे हैं, 30-32 हज़ार लगभग केस आ रहे हैं। पर एक समय सुना करते थे आज 500 केस हुए, आज टोटल 1,000 केस हुए, आज सुन रहे हैं कि 10 लाख के करीब केस आ चुके हैं। हालांकि अधिक संख्या में यात्रियों का आवाजाही सुनिश्चित करने वाली दिल्ली मेट्रो और मुंबई की लोकल ट्रेनों का भी पूरी तरह संचालन नहीं हो रहा है। सार्वजनिक परिवहन को लेकर सरकार के अतिरिक्त जनता भी डर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों को अपनाने से वो संक्रमित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि संक्रमित होना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े तादाद पर संख्या हो जाती है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो इसे संभाल पाना मुश्किल है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इसे पर कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाएगा। COVID-19 महामारी की वजह से शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को लेकर लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में पुरानी परिवहन व्यवस्था को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होगी। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपभोग में लगभग 90% तक की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से लोग व्यवस्थित वाहनों, व्यक्तिगत वाहनों पर अधिक जोर दे रहे हैं, यानी कि अपने पर्सनल वाहन पर जाने से आने जाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कोई कहीं जा भी रहा है तो अपना पर्सनल वाहन ले जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं हम लोग परिवहन। ऐसा गमनागमन, गमनागमन स्थल यानी कि आने जाने का, जल एवं वायु में होता है। स्थल, जल और वायु तीनों से होता है, आपने देखा है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है, जबकि जल मार्ग और वायुयान परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक साथ भारी संख्या में व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन किया जाता है, यथा मेट्रो सेवा। ट्रेनों में भी आप देखते हैं किस तरह से ठूस ठूस के, और बसों में भी देखते हैं आप लोग किस तरह से भर दिया जाना है उतने ठूस ठूस कर, तो इससे कोरोना संक्रमण के फैलने की चांस अधिक हो जाते हैं। भारत में अभी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूर्णतः विकसित नहीं है, तथा COVID-19 महामारी ने इसके समक्ष और अधिक चुनौतियां उत्पन्न की हैं। और जो लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से केस कम हुए हैं, यानी कि लॉकडाउन हमारे देश में सफल रहा है, वो कभी एक बार मिल तो लिया करेगा। कहाँ से सोचते हो आप लोग? आप सोचिए कि अगर आप पास हो जाएं एक बार में, तो आपको दोबारा पेपर देने की जरूरत क्यों पड़े? तो लॉकडाउन काफी हद तक असफल रहा है। आपने देखा है कि चीन में इसकी उत्पत्ति होती है इस वायरस की, वहां से जब बाकी देशों में फैलना शुरू हुआ था, तभी हमें जागरूक हो जाना चाहिए था। अगर तब हम संभल जाते तो शायद आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से प्रभावित नहीं होती है। आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, फिर चाहे मूडी अंडर रेटिंग एजेंसियों की, एक समय पर 7.4 की बात की जाती थी, 7.5 की बात की जाती थी विकास दर। आज आप देख रहे हैं कि 1.5% से 2.5% तक बता रही सभी रेटिंग एजेंसी, मतलब कितने हद तक हमारी अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। लेकिन फिर भी हमारी अंधभक्ति, चलिए अच्छी बात है कि अंधभक्ति हमारी बराबर कायम रहती है। कुछ अच्छा हो रहा है तब भी अंधभक्ति, कुछ गलत हो रहा है तो अंधभक्ति। कभी हकीकत से भी मिल लिया करिएगा। ऐसा नहीं कि हर शब्द हम सोच रहे हैं, हर शब्द बोल रहे हैं तो वो सच हो, कम से कम यही तो फॉलो कर लिया करिएगा अपने आप पर कि आप जो सोच रहे हैं वो हकीकत नहीं है। आपको जो दिखाया जा रहा है टीवियों पर वो भी हकीकत नहीं है इस समय। सार्वजनिक परिवहन से कतरा, ट्रेन, बस, मेट्रो, हवाई जहाज आदि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में कोरोना वायरस का संक्रमण इस बात पर निर्भर करता है कि इन साधनों में लोगों की भीड़ कितनी है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कर रहे हैं। यह बात सिर्फ परिवहन वाहनों पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि यह उनके स्टॉप स्टेशनों पर भी लागू होगी। मेट्रो जैसे परिवहन साधनों में इंडोर एयर कंडीशन की पद्धति मौजूद है। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि इंडोर एयर कंडीशन से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें तेज ताजी हवा का प्रवेश नहीं हो पाता है। इंडोर एयर कंडीशन में यह यदि एक बार हवा संक्रमित हो जाती है तो वह अपने चक्रीय प्रवाह के क्रम में भारी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकती है। अब तो कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस पानी और हवा से भी फैलने के कई जगह साक्ष्य मिले हुए हैं। सोचिए अगर कि हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो ये और हालत बिगाड़ सकता है। कई शहरों में ऐसा देखा है कि जहां कोई भी मरीज नहीं था, ना ही किसी के संपर्क में आए, वहां भी इस तरह के कोरोना पॉजिटिव मरीज देखे जा रहे हैं। बस, मेट्रो, ट्रेन आदि में हाथ से पकड़ने वाली जगहों में भी संक्रमित होने का खतरा काफी अधिक रहता है, क्योंकि जब कोई संक्रमित व्यक्ति इन जगहों को छू लेता है तो कई घंटों बाद कोरोना वायरस अपने आप मरता है, या फिर इन्हें सैनिटाइज किया जाए तब वायरस का खात्मा होता है। वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से छोटी छोटी बूंदें निकलकर वातावरण में कुछ दूरी तक फैल जाती है। ये बूंदें सीधी या फिर किसी दूषित वस्तु को छूने के बाद आंखों, नाक और मुंह से शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में बस, ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज आदि में यात्रा करना और भी खतरनाक हो सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस बात को स्वीकारा है कि वायु के माध्यम से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन जैसी भीड़ वाली जगहों को हवा के माध्यम से एक साथ भारी संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं। और आप अपने यहाँ की ट्रेनों की हालत देख सकते हैं या फिर बसों की हालत देख सकते हैं, किस तरह से भर दिया जाता है उसमें उन लोगों को, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही हमारे यहाँ फैलने के चांस रहते हैं। सार्वजनिक जगहों यथा सार्वजनिक परिवहन आदि में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से होता है जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, लेकिन उनमें लक्षण प्रकट नहीं हो रहे होते हैं। सार्वजनिक परिवहन से कई लोगों की एक साथ गतिशीलता बढ़ जाती है। इस स्थिति में यदि कोई कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो उसके संक्रमण के स्रोत का पता भी लगाना लगभग असंभव होता है। भारत में अभी भी COVID-19 महामारी को लेकर जागरूकता काफी कमी है।
खासतौर पर उन तबके में जो आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस स्थिति में जब लोग एक साथ सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी भारत में लोगों के द्वारा मास्क लगाने की दर काफी कम है, जो स्थिति को की गंभीरता को प्रकट करती है। एक बात आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जब से सरकार ने ढील दी है लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू की है, उसके बाद आप सोचिए कि लोगों ने ऐसे मतलब क्या हाल क्या मतलब समझकर देख रहे हैं आप लोग, मास्क रोड पर जमा होने लगी, फिर बिना मास्क लगाए लोग फिर रहे हैं, मतलब बहुत छोटी में ले लिया इस वायरस को। उसी का परिणाम देखा है आपने कि 9 लाख जनसंख्या 9 से 10 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हमारे देश में, कि जनता मतलब इसे अच्छे से ले ही नहीं रही, गंभीर नहीं ले रही, वो उसे मजाक लग रहा है। भारत में जनसंख्या अधिक होने से कई सार्वजनिक परिवहन के रूटों पर पीक समय पर भीड़ काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जो कोविड महामारी में एक प्रमुख चुनौती है। लोगों के द्वारा सार्वजनिक परिवहन के अलग अलग रूटों व साधनों के प्रयोग करने से भी संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है। और अभी तो आप सोचिए जुलाई का माह चल रहा है, आप सोचिए कि कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में एक पीक पर होगा, उस समय क्या हालत होगी जब अभी हालत इतनी बुरी तरह से बिगड़ रही है। कई राज्यों में आपने देखा है कि फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया बढ़ाने लगे हैं, उत्तर प्रदेश में 3 दिन का देखा था, बिहार में भी लगाया जा रहा है, कर्नाटक की तरफ भी आपने देखा है कि लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कई जिलों में अभी भी कई राज्यों में लगाया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के न अपनाने से हानि, विशेषज्ञों का कहना कि यदि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कमजोर पड़ गई तो इस स्थिति में निम्नलिखित विकार के नुकसान हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन में कोरोना वायरस के संक्रमण के डर की वजह से लोग इसकी जगह निजी वाहनों का अधिक उपयोग करेंगे, इससे सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ जाएगी और वो संकुल हो सकती है। निजी वाहनों के अधिक उपयोग से सड़कों पर सड़क दुर्घटना का भी खतरा अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। सड़क दुर्घटना में मानव की असामयिक मृत्यु होती है, जिसके आर्थिक सामाजिक भावनात्मक आदि कई नुकसान होते हैं। यही कारण है कि हर देश की सरकार अपने यहाँ सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए नियम कानून बनाती रहती है और परिवहन ढांचा को मजबूत करती है। सड़कों पर ज्यादा वाहनों के दौड़ने से वायु प्रदूषण पर भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा वाहन अधिक मात्रा में हानिकारक धुआं उत्पन्न करते हैं और सड़कों के किनारे एकत्रित मिट्टी के महीन कणों को उड़ाकर वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण के बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें वृद्धि एवं बचने की अपेक्षा अधिक हो सकती है। स्थिति पहले से कोविड-19 महामारी के कारण दबाव में चल रहे स्वास्थ्य ढांचा के लिए और भी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं। अधिक निजी वाहनों के उपयोग से पेट्रोलियम ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। भारत अपने पेट्रोलियम जरूरतों के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। आप देखते हैं कि 80% तक हम लोग आयात करते हैं अन्य देशों से तेल, इसलिए पेट्रोलियम की खपत बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है और भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी हो सकती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक स्थिति होगी। वाहनों से निकलने वाले धुएं में ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, जो भूमंडल के ताप को बढ़ाने में मदद करती हैं। उल्लेखनीय के बढ़ता हुआ पृथ्वी का तापमान जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण भी है। फिर आपकी वित्तीय समस्याओं की अगर बात करें तो कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन विभिन्न चरणों में लगाया था, जिससे परिवहन क्षेत्र के सरकारी विभागों से लेकर निजी कंपनियों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। वर्तमान में कई विमान कंपनियां घाटे में चल रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से उन्हें अपेक्षित मात्रा में यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। विमान कंपनियों से लेकर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की सभी साधनों को कोविड-19 महामारी से सावधानी बरतते हुए परिचालन करने में काफी खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें बार बार अपने परिवहन साधनों और अन्य ढांचों को सैनिटाइज करना पड़ रहा है और अपने स्टॉप को अतिरिक्त सावधानी हेतु ट्रेनिंग देने पड़ रही है। और देखा है आपने कि जिस सीटों पर 3 से 4 व्यक्ति बैठ जाया करते थे, उस पर 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति बैठाया जा रहा है, इससे भी काफी हद तक नुकसान झेलने को पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होता है। इस स्थिति में वाहनों में कम यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित हो पाती है, जो वित्तीय समस्याओं को उत्पन्न करता है। अगर सुझाव की बात करें हम लोग तो सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा हेतु मास्क को अनिवार्य बना देना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य
सेतु है उपस्थितो। अभी आपने देखा है एक प्रधान मतलब एक राष्ट्र अध्यक्ष एक देश के, उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि मास्क ना पहनने का जो उन्हें मतलब जुर्माना भुगतना पड़ा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री ने भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री साहब ने भी जोर दिया है कि शासन जो स्थानीय शासन प्रशासन है ये जुर्माना भी लगा सकता है अगर कोई मास्क ना पहने। वो मेट्रो जैसी अधिक क्षमता वाली परिवहन व्यवस्थाओं में अंदर घुसने से पहले हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यात्रियों को हैंड टिश्यू पेपर के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। मेट्रो और ट्रेन प्लेटफॉर्म, बस अड्डों, हवाई अड्डों आदि को नियमित तौर पर सैनिटाइज किया जाए और परिवहन साधनों को भी एक यात्रा के बाद सैनिटाइज किया जाए। उन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है जिन्हें यात्री बार बार छूते हैं, यथा आदि शौचालय, सीढ़ियाँ की रेलिंग, दरवाजे आदि। एयर कंडीशनर कंडीशन की केंद्रीकृत प्रणाली को हतोत्साहित करना चाहिए और ताजी हवा से युक्त विधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार को लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी रणनीतियों पर कार्य करना चाहिए जिससे यात्री कम से कम एक दूसरे के संपर्क में या यथा आ सकें। ऑफ पीक समय पर यात्रा के लिए प्रोत्साहन के लिए ऑफिस टाइमिंग क्यों अलग अलग किया जा सकता है। लोगों को कम व्यस्त मार्गों पर यात्रा हेतु प्रोत्साहित करें, उन्हें अपने नियमित परिवहन साधनों में कम से कम परिवहन की सलाह दें। जहाँ संभव हो वहाँ 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। लोगों को पैदल, साइकिल आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चूंकि अधिकांश शहरी यात्राएं 5 किलोमीटर के आसपास होती हैं, इसलिए सरकार को गैर मोटर चालित परिवहन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि इसमें कम लागत, कम मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इसे लागू करना आसान व त्वरित है। इन संकट की घड़ी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में भी सरकार को आर्थिक रियायतें प्रदान करनी चाहिए। लास्ट में आप कह सकते हैं कि सरकार को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने हेतु हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को इस पर पुनः विश्वास बहाल हो सके और COVID-19 महामारी के प्रसार को भी रोका जा सके। और बाकी आप देखते रहिए, अपना अपनी सेफ्टी रखिए। जो भी होता है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको अपनी सेफ्टी अच्छे से रखनी है, ठीक है।